द नेम ऑफ द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह एंड ऑल्सो आई टोल्ड यू की डैट दिस इज नॉट ओनली द स्टोरी बट इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह इन विच ही हैड रिटन अबाउट हिज ग्रैंड मदर एंड himself means the in this story the portrait of a lady Khushwant Singh has written about the relationship with his grandmother इस स्टोरी में जो आपकी बुक हॉर्नबिल से ली गई है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह ने लिखी है बहुत ही फेमस राइटर हैं खुशवंत सिंह सॉरी थे अब नहीं है इन्होंने ये सिर्फ स्टोरी नहीं है ये एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी पर्सनल लाइफ पर ली गई इनकी कुछ कहानियां हैं इसमें जो इनके और इनकी दादी माँ के रिश्तों के बारे में बताती हैं सो इन शॉर्ट वंस अगेन विल रिवाइज द एक्सप्लेनेशन एंड देन वी विल डू एंड साथ ही साथ विद एंड टुगेदर वी विल डू दी वर्ड मीनिंग ऑल्सो एंड द पिक यू विल सीन द पिक यू विल सी इन दिस वीडियो प्लीज़ ट्राई टू रीड इट ऑल द पिक्स दीज आर द इंटायर लाइन्स ऑफ द स्टोरी इफ़ यू विल रीड द स्टोरी पर्सनली आप अगर इसमें इंटायर लाइन्स हैं आपकी अगर आपके पास बुक है इट्स ओके इफ़ यू डोंट हैव द बुक प्लीज़ रीड इट गो विद द हेल्प ऑफ द पिक्स गो थ्रू इट इसके साथ चलिए इसको पढ़िए अगर आप इसको अपने आप से पढ़ेंगे वंस If you go through it, the number one, you will develop a habit of reading. Number two, you will revise the story. It will remain in your memory for long. आपके दिमाग में आपकी memory में रहेगी. And the third, not if long. अगर आप long नहीं भी कर सकते हैं, then you will be able to write short answer. And the explanation or extract based question answers. अगर आप इसको स्टोरी को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द वीडियो आपको ये स्टोरी समझ में आएगी आपके दिमाग में लॉन्ग लास्ट रहेगी शॉर्ट आंसर्स कर पाएंगे और एक्सप्लेनेशन वाले आंसर भी कर पाएंगे अगर लॉन्ग नहीं भी कर पाते हैं तो सो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू नाउ स्टार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह The grandmother and I were good friends. ये और इसमें आप अपने आप पढ़िएगा मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ उसमें ये जो कह रहे हैं कि मेरी my grandmother and I were good friends. मैं और मेरी दादी माँ good friends थे My parents left me with her when they went to live in the city. इनके माता पिता ने इनको इन दादी के साथ छोड़ा हुआ था रहने के लिए जब वो शहर में रहते थे And we were constantly together. Constantly means लगातार Together means साथ में काफ़ी समय से साथ में थे She used to wake up me up in the morning and get me ready for school. उनकी दादी ही used to वो एक वर्ड है जो पास्ट में हमारी किसी आदत के लिए यूज़ होता है भूतकाल में किसी आदत के लिए पास्ट में तो इनकी दादी की आदत थी वही इनको उठाती थी सुबह रेडी करती थी शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग इनकी दादी की आदत थी कि वो सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर किया करती थी बड़ी बुझी बुझी सी आवाज़ में धीरे धीरे बुदबुदाया करती थी मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बात एंड रेस्ट मी इन द होप डेट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट जब दादी इनकी सुबह ने तैयार करती थी तो उस समय भी नहाते वक्त तैयार करते वक्त भी वो प्रार्थनाओं को प्रेयर को भगवान के नाम को भजन करती रहती थी जिससे उन्हें ये लगता था कि शायद सुनते सुनते इनको भी वो बाय हार्ट मीन्स लर्न हो जाएंगी I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. ये कहते हैं मैं उसे सुनता था उनकी वॉइस को but never bothered. Bothered means परेशान होना मगर मैं उनको याद करने के लिए परेशान नहीं होता था सिर्फ सुनता था and he enjoyed. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. A tiny earthen ink pot and a red pen tie them all in a bundle and hand it to me. जो इनकी दादी थी वो इनकी जो वुडन स्लेट थी उसको इनकी दादी ने क्या किया उसको वॉश किया हुआ था उसको येलो चॉक से उसको कलर्ड पूरा किया हुआ था और एक इंक पॉट जो अर्दन मींस मिट्टी का बना हुआ था और एक रेड पेन ये सब कुछ दादी इनको एक बैग में बांध के इनकी स्कूल की तैयारी करके इनको दे देती थी आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल और ब्रेकफास्ट में थिक मींस मोटी स्टेल मींस बासी बटर लगी हुई शुगर लगी हुई चपाती इनको मिलती थी वी वेंट टू स्कूल जब स्कूल जाते थे शी कैरीड सेवरल स्टेल सेवरल मींस मैनी एंड स्टेल मींस बासी बहुत सारी बासी रोटी अपने साथ लेके जाती थी एंड शी वाज यूज्ड टू फीड देम
टू डॉग्स, और वो उन बासी रोटियों से डॉग्स को फीड कराती थी। नज़ इज़ टाइम फॉर वर्ड मीनिंग ऑफ फ्रॉम दी सेम पैराग्राफ, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है उससे हम लोग वर्ड मीनिंग्स करेंगे। मोनोटोनस, मोनोटोनस मीन्स डल एंड बोरिंग। उबाऊ, बॉदर्ड, बॉदर्ड मीन्स नॉट टू बी कंसर्न, मीन्स परेशान ना होना, उस पर ज़्यादा ध्यान ना देना। फेच, फेच मीन्स गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक, जाना और उसको फिर वापस लाना। समथिंग फॉर समवन, गो फॉर एंड देन ब्रिंग समथिंग फॉर समवन, जाना और किसी चीज़ को किसी के लिए वापस लाना। स्लेट, आई अ फ्लैट प्लेट ऑफ स्लेट फॉर्मली यूज फॉर राइटिंग ऑन इन स्कूल्स, इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल ब्लैक बोर्ड। प्लास्टर्ड, कवर्ड विद अ लेयर ऑफ प्लास्टर। अर्दन, मेड ऑफ बेट और फायर्ड क्ले, मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ स्पेशली पका हुआ, जैसे ये हम लोग बर्तन मिट्टी के यूज़ करते हैं। स्टेल, नो लॉन्गर फ्रेश एंड प्लीजिंग टू ईट, स्टेल मीन्स बासी, जो फ्रेश ना हो और खाने योग्य ना हो। नेक्स्ट, द ऑदर लिव विद हर इन द विलेज, दे वर गुड फ्रेंड्स, हिज पेरेंट्स लेट हिम स्टे सेटल इन द सिटी, द ऑदर्स ग्रैंडमदर, आई थिंक वी हैव डन इट, यस, कम टू द नेक्स्ट। My mother always, my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest, priest means puja karne wale pujari, taught us the alphabet and morning prayer. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus. sorry students. My grandmother always went to school. मेरी जो दादी माँ थी वो मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था उससे अटैच था एक टेम्पल, और जो पुजारी थे वो इनको क्या करते थे, मॉर्निंग प्रेयर और अल्फाबेट्स जो अक्षर थे उनका ज्ञान कराते थे और प्रेयर कराते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन अ रो, रो मीन्स एक एक सीरीज में, जो बच्चे थे एक रो में बैठते थे, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरेंडा, वरेंडा की एक दूसरी साइड में, वरेंडा मीन्स आंगन, सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, कोरस मीन्स होता है सिंगिंग अ सॉन्ग और अ प्रेयर इन ग्रुप, जब हम ग्रुप में कोई चीज़ गाते हैं वो कोरस कहलाती है। माई ग्रैंड मदर सेड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, वो भी वहाँ बैठ जाती थी, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है ग्रंथों को पढ़ने के लिए। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब ये दोनों अपने अपना काम पूरा कर लेते थे, वी वुड बैक टुगेदर, साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, बाहरी ने डॉग्स मिलते थे मंदिर के बाहर, दे फॉलोड अस, वो उनके पीछे पीछे आते थे, बिकॉज दादी माँ वॉज यूज टू गिव दैम स्टेल चपातीज एवरी डे, वो उनको रोज़ डेली बासी चपातीस खिलाती थी, तो वो उनको फॉलो करने के हैबिचुअल हो गए थे। व्हेन माय पेरेंट्स आर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंड फॉर अस, जब वो वहाँ पे आराम से कंफर्टेबली सेटल हो गए तो उन्होंने इनको बुलाया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन अ फ्रेंडशिप, तब इनकी फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट में मोड़ आया। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, आल्दो मीन्स होता है यद्यपि, मतलब यद्यपि दे आर एक ही रूम शेयर कर रहे थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब उनके साथ स्कूल नहीं आती थी, बिकॉज दैट मस्ट बी अ न्यू प्लेस टू हर, उनके लिए नई जगह थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटा बस, अब वहाँ पे ये गांव तो था नहीं, दे वर लिविंग इन अ सिटी, तो इंग्लिश स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया और वो मोटर बस से, मतलब बस से स्कूल जाते थे। देर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अ सिटी हाउस, कोर्ट यार्ड मीन्स होता है घर का, जो घर के चारों तरफ जो चार दीवारी होती है, तो वो घर में ही रहती थी, वो स्ट्रीट डॉग्स को फीड नहीं कराती थी स्ट्रे डॉग्स को, अब वो घर में ही रहती थी और उनको स्पैरोज को, जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं उनको फीड कराती थी। स्क्रिप्चर्स, नाउ दिस टाइम फॉर वर्ड मीनिंग फ्रॉम दी सेम पैराग्राफ, जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे हम उनका वर्ड मीनिंग करेंगे। स्क्रिप्चर्स, द सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन, सेक्रेड मीन्स पवित्र, राइटिंग मीन्स लिखना, रिलीजन माने धर्म मीन्स ग्रंथ, जो हमारे धर्म में लिखी हुई पवित्र बातें हैं वो स्क्रिप्चर्स कहलाते हैं। ग्रॉलिंग, मेकिंग अ लो गटरल साउंड इन द थ्रॉट, स्पेशली वी यूज़ द वर्ड ग्रॉलिंग फॉर द फॉक्स, वो जो आवाज़ें करती हैं उनका साउंड होता है, जो धीरे धीरे गले में गड़गड़ाहट के साथ एक आवाज़ घूम घूम करके निकलती है, डैट इज़ कॉल्ड ग्रॉलिंग, विच वी यूज़ स्पेशली फॉर द फॉक्सेस। कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मीन्स घर का वरांडा, चार दीवारी, आंगन। नेक्स्ट,
As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. कुछ सालों तक years rolled, मतलब कुछ सालों तक rolled means चलता रहा ऐसे ही गोल गोल नहीं, इसका मतलब है ईयर्स रोल मीन्स कुछ साल ऐसे ही गुजर गए और वो मुझसे पूछती थी डेली कि मुझे उठाती भी थी वेकअप में और मुझे रेडी भी करती थी और इसे पूछती थी जिस स्कूल से लौटने के बाद कि आज इसने स्कूल बच्चे ने स्कूल में क्या सीखा. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग्स. ये उन्हें कुछ इंग्लिश के शब्द बताते थे, कुछ वेस्टर्न साइंस मतलब जो हमारा पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति है, जो पश्चिमी कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका इंग्लैंड, वहाँ से जो साइंस डेवलप हुई, जो लर्निंग्स थी उनकी उन कंट्रीज़ की, वो उन्हें बताते थे. कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताते थे, द लॉ ऑफ ग्रेविटी बताते थे, आर्कमिडीज का सिद्धांत प्रिंसिपल बताते थे, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, और जो भी संसार में चारों ओर हो रहा है वो बताते थे. बट दिस मेड हर अनहैप्पी, जिससे पर इससे वो खुश नहीं होती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो अब इनको पढ़ा नहीं पाती थी, इनके लेसन्स में इनको हेल्प नहीं कर पाती थी. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, शी थिंक्स या शी थॉट डैट ऑल द थिंग्स डैट हर ग्रैंड सन वॉज स्टडी इन द स्कूल वॉज नॉट रेलिवेंट. वो सोचती थी कि जो भी इनका पोता वहाँ स्कूल में जाके पढ़ रहा है वो रेलिवेंट मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब वो उन्हें आता भी नहीं था तो वो उन्हें पढ़ा नहीं पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी कि जो पढ़ाया जा रहा है किसी काम का. एंड वॉज डिस्ट्रेस डेट वर डेट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो दुखी भी थी परेशान भी थी कि भगवान के बारे में हमारे ग्रंथों के बारे में प्राचीन इतिहास के बारे में तो यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं. वन डे आई अनाउंस डेट वी वर बींग गिवन म्यूजिक लेसन्स, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन. मतलब जब इन्होंने एक दिन बताया कि हमें आज स्कूल में म्यूज़िक मतलब संगीत सिखाया गया तो वो बहुत परेशान हो गई, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा. उनकी नज़र में संगीत का जो संबंध था वो इनडिसेंट लोगों से था, जो अच्छा नहीं माना जाता था. सो नेक्स्ट वेयर वी वर, कहाँ थे हम लोग, हाँ, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैंडलॉर्ड्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक. फोक मीन्स होता है लोग, समुदाय. इनका मतलब मानना था कि ये जो सिंगिंग होता है, म्यूज़िक होता है, इससे बेगर्स भीख मांगने वालों के लिए, ये जो बंजारे होते हैं, एक समुदाय होता है पर जो मांग मांग के अपना काम चलाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होता है, बाकी सा कोई यूज़ नहीं है. तो उनको बहुत दुख हुआ कि ये क्या आप सिखा रहे हैं. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्स डिसअप्रूवल, वो कुछ बोली नहीं पर जो उनका जो उनकी शांति थी, जो उनकी चुप्पी थी, वो डिसअप्रूवल थी कि ये शी वॉज इट मीन्स शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड with the study he was teaching at the school. Now as the year passed in the city, their interaction reduced. आपस में उनका जो इंट्रैक्शन था, जो आपस में बातें होती थी, वो भी रिड्यूस होती चली गई. For some time she continued to wake him up and would get him ready for school. She would ask him what he had learned in that school. Now I think we had learned till here. So when I went up to university, students read from the second paragraph. When I went up to university, यहाँ से पढ़ेंगे. When I went up to university, I was given a room of my own. जब यूनिवर्सिटी पढ़ने लगे तो उन्हें अपना खुद का एक रूम दे दिया गया. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusions with resignation. जो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे इनका सेपरेट रूम हो गया, जो इनके बीच में कॉमन लिंक था, दोस्ती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन. सेक्लूशन मीन्स होता है अपने आप को अलोन कर लेना, एक वीराना मतलब अपने आप को सेपरेट कर लेना. तो जो इनकी दादी माँ थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अपना अकेलापन, सेक्लूशन विद रिजाइनेशन, और वो सब चीज़ों से एकदम रिजाइंड हो गई थी, मतलब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है वो जो पुराने ज़माने में कपड़ा बुनने के लिए चरखा यूज़ किया जाता था, which I think you all have seen with the Gandhi ji, the same. It is called spinning wheel. Spinning wheel is used to wound the clothes, weave the clothes, sorry, for weaving clothes. तो रेयरली मैंने मुश्किल से ही वो अब किसी से बात करती थी और वो अपने स्पिनिंग व्हील में बिजी रहती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से शाम तक शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो अपना बैठी रहती थी, अपनी पोएम्स को रिसाइट करती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, थोड़ी देर दोपहर में आराम करती थी टू फीड दी स्पैरोज, और स्पैरोज को फीड कराती थी. वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू लिटिल बिट्स. बिट्स मीन्स होता है टुकड़े,
तो जब वो बरांडा में घर के आंगन में बैठती थी तो छोटे छोटे टुकड़े किया करती थी और उसको स्पैरोज़ को फीड कराती थी, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती थी। उन्होंने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था, वो उन्होंने सेक्लूशन को, एकांत को स्वीकार कर लिया था। नाउ इट्स टाइम फॉर दी वर्ड मीनिंग फ्रॉम दी सेम पैराग्राफ विच वी हैव रीड नाउ। स्नैप्ड, स्नैप्ड मीन्स होता है ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। स्टूडेंट वन थिंग आई मस्ट टेल यू, शायद मैंने आपको बताया हो, ये जो आपने वर्ड पढ़ा है स्नैप्ड, यहाँ पे डबल पी आया है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम डबल पी यूज़ करते हैं, आपको पता है ये कहाँ आते हैं? लेट मी टेल यू, इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, CVC। सी वी इज़ अ फॉर्मूला, सी फॉर कॉन्सनेंट, वी फॉर वॉवल एंड अगेन सी फॉर कॉन्सनेंट, CVC, कॉन्सनेंट वॉवल कॉन्सनेंट। अब यहाँ पे अभी देखिए स्नैप्ड, NAP, N इज़ अ कॉन्सनेंट, A इज़ अ वॉवल एंड P इज़ अगेन अ कॉन्सनेंट, सो NAP इज़ वॉट? CVC। जब भी CVC आता है उसको हम जब लॉन्ग में करते हैं या पास में करते हैं, स्नैप का स्नैप्ड करेंगे तो हम CVC में डबल वर्ड यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे लेटर इज़ नॉट एग्जाम्पल, आई विल गिव द, जैसे स्पिनिंग, SPIN, P इज़ अ कॉन्सनेंट, I इज़ अ वॉवल एंड N इज़ अगेन अ कॉन्सनेंट, PIN, पिन। तो जब हम स्पिन का स्पिनिंग करेंगे वी विल यूज़ अ डबल वर्ड, डबल N, स्पिनिंग डबल N, स्नैप्ड डबल P, डबल N डबल P का मतलब CVC याद रख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डबल वर्ड आएगा। सो स्नैप्ड, ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। स्नैप्ड का मतलब होता है सडनली किसी चीज़ का ब्रेक होना और पूरी तरह से ब्रेक होना। सेक्लूशन, सेक्लूशन मीन्स होता है, मैंने बोला था एकांत में अकेलापन, टू स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल, लोगों से दूर हो जाना, एकांत में रहना। एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रिजाइनेशन, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ लोनली लाइफ एज शी एक्सेप्टेड द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंड सन विदाउट ऑब्जेक्शन। रिजाइनेशन मीन्स, यहाँ पे रिजाइनेशन का मतलब है उन्होंने अपने ग्रैंड सन से बिना किसी ऑब्जेक्शन के अलगाव को एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ दी वर्ड इज स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील एज आई टोल्ड यू गांधी जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू हैव सीन दैट स्पिनिंग व्हील विद द गांधी जी मीन्स चरखा। स्पिनिंग व्हील अ हाउस होल्ड मशीन विद अ व्हील अटैच टू इट फॉर स्पिनिंग यार्न, यार्न मीन्स होता है तागा, जो चरखे से कपड़ा बनाया जाता था वही यहाँ पे यूज हुआ है स्पिनिंग व्हील। अ वेरिटेबल बेडलाम ऑफ चिरपिंग रेफर्स टू द नॉइज एंड कन्फ्यूजन कॉज बाय द चिरपिंग्स ऑफ द स्पैरोज। बर्ड्स की साउंड क्या होती है? चिरप, चिरप से यहाँ पे बनाया है चिरपिंग्स, मीन्स चिरपिंग्स इज इट्स वॉट इज द साउंड ऑफ द स्पैरोज। वेरिटेबल, वेरिटेबल मीन्स यूज टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल। वेरिटेबल मीन्स होता है एक ऐसी चीज़ का डिस्क्राइब करना, ऐसी चीज़ का वर्णन करना जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और जो अनयूजुअल हो, मतलब जो हमारी आदत में ना हो। स्पेशली जैसे कि कोई मान लीजिए स्टोरी, टू डिस्क्राइबिंग स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, वी टेक इंटरेस्ट इन लिसनिंग द स्टोरीज एंड इफ इट इज़ न्यू इट इज़ कॉल्ड अनयूजुअल। बेडलाम, बेडलाम मीन्स कन्फ्यूजन, अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज इज कॉल्ड बल्ला बेडलाम। चिरपिंग्स, द नॉइज ऑफ अ स्मॉल बर्ड, चिरपिंग्स इज अ नॉइज ऑफ स्मॉल बर्ड एंड द वर्ड चिरप इज़ अ नॉइज ऑफ अ स्मॉल बर्ड। चिरप क्या होती है? बर्ड की साउंड होती है। सो माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ मेक अ कॉपी एंड note down the date, daily you have to do this, note down the date, the heading means the name of the sentence, the writer of that, sorry, the date, the name of the lesson, the writer of the lesson, and the you all have to write the summary also in short by taking the help of these pics, please note down the summary in short। समरी का मतलब ये होता है शॉर्ट में लिखना स्टोरी को, समरी को लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, विद दी हेल्प ऑफ दीज पिक्स, इन पिक्स की हेल्प लीजिए। आफ्टर राइटिंग द समरी
जब आप समरी लिख लें, देन नोट डाउन दी वर्ड मीनिंग्स विद दी हेल्प ऑफ दीज पिक्स. ये जो आपके सामने पिक्स हैं, इनकी हेल्प लीजिए. जो आपको मैंने हिंदी में बताया, हिंदी में भी लिख लोगे आपको हेल्प करेगा. जैसे सेक्लिशन, एकांत में रहना, स्नैप, स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा, चिपिंग मीन्स बर्ड की साउंड. राइट इन बोथ लैंग्वेज, बायलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी, इट विल हेल्प यू. सो आफ्टर दी हेडिंग समरी लिखिए, समरी के बाद वर्ड मीनिंग लिखिए, वर्ड मीनिंग के बाद हार्ड वर्ड्स लर्न कीजिए इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पेल द वर्ड्स करेक्टली. बिकॉज वाइल राइटिंग द आंसर एनी थिंग, इफ़ यू डोंट नो द करेक्ट स्पेलिंग, द एग्जामिनर विल कट योर मार्क्स.